आज हमारे गेस्ट स्पीकर है दोनों पति पत्नी। पति पत्नी ने साधारण लोगों ने कैसा असाधारण लोग आज बन गया है उसका स्टोरी शेयर करने के लिए आज हमारे सामने और एक वंडरफुल कपल को आपको मैं DXNRBC यूट्यूब चैनल में प्रेजेंट करता हूँ। ये लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रामपुर में रहने वाला है बिहार। ये एक सबूत है हमारे साथ कैसा टोटली इलिटरेट अनपढ़ लोग भी सफल बन सकता है DXN बिजनेस। जो सिग्नेचर करना अभी सीखी है वो सिग्नेचर करने को भी नहीं आता था DXN के जाने आने के पहले। इस तरह का टोटली एक अनपढ़ महिले हाउसवाइफ और हस्बैंड जस्ट 5 क्लास तक स्कूल को गया है। इसने उसका जीवन के लिए ऑटो रिक्शा चलाता था, वो रिक्शा उसका खुद का नहीं था, वो रेंट में लेकर रिक्शा चलाता था। महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये उसका इनकम था। ये गरीबी का रेखे से बाहर आने के लिए ये लोगों ने DXN में कैसे लड़कर आज PSSD एंड DXNRBC मिलियनेयर बन गया, इसका स्टोरी को वो दोनों लोगों ने आज शेयर करेंगे। DXN को आपका माता जी का कारण से, उसका हेल्थ का कारण से अट्रैक्ट हो गया। DXN प्रोडक्ट सेवन करने के बाद आपका माता जी का स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ये प्रोडक्ट रिजल्ट्स के कारण से आपका दिमाग खोला, आप ए यूनिवर्सिटी को पढ़ने का ट्रेनिंग लेने के लिए। ये कारण से आप लगातार DXN ट्रेनिंग को आपका अपलाइन का माध्यम कंटिन्यूसली लिया। ट्रेनिंग के बाद में आप बिजनेस कैसा करना वो सीख लिया। सीखने के बाद आप DXN जबरदस्त शुरू किया 2015 में। 2015 से लेकर 2019 4 बरस के अंदर आपने बहुत बड़ा ग्रोथ को, नेटवर्क को खड़ा रखकर ग्रोथ देखा। एक कारण से आपका इनकम महीने में 1 लाख के ऊपर गया। इसी कारण से आपको 2019 में दिसंबर में फ्रीडम डे में आपको DXNRBC मिलेनियर बनकर सम्मानित किया। आज का हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर रंजीत कुमार एंड मिसेस रेखा देवी, ITSI एंड TSIP क्वालिफायर, फॉरेन ट्रिप दोनों, इंडिया एंड फॉरेन का दोनों ट्रिप आप क्वालिफायर है। आपके साथ आपका आपके साथ अभी कार भी है, कार भी आप खरीद लिया है। आपको भगवान ने बहुत जल्दी DXN में क्राउन एम्बेसडर बनने का शक्ति देने को प्रार्थना करके वेलकम मिस्टर एंड मिसेस रंजीत कुमार ESSD फ्रॉम रामपुर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम गुड मॉर्निंग सर, मेरी नाम रेखा देवी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट रघुपुर प्रखंड प्रोपर गांव सॉरी रामपुर पड़ता है। अभी पूरे फैमिली के साथ
हम बख्तियारपुर में हैं पूरे फैमिली के साथ। आज इतना खुशी महसूस कर रहे हैं, इतना खुशी महसूस हो रहा है कि कैसे ऐसे हो गया वो मुझे मालूम भी नहीं चलता है। ये सारा सरेह जाता है, जो पहला सारा खुशी सारा सरेह हमारे महान गुरु धर्मशीला मैम सुरेंद्र सर जी के लिए। जोरदार ताली जहाँ भी हैं जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि आज औसे गुरु का हम चरण स्पर्श करते हूँ। आज औसे हमारे महान गुरु नहीं होते तो आज जिंदगी हम जीते नहीं, सब दिन जिंदगी काटने के ही मरम जाम। जिंदगी जीना क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं, पर आज देखिए कि डी एक्शन प्लेटफार्म इतना खूबसूरत है, तो इतना अच्छा प्लेटफार्म को सजाए हैं डाटो डॉक्टर लिम्स योजन के लिए भी। जहे हैं जहे सभी लोग, जोरदार ताली होना चाहिए। और जो इंडिया को जो जन्मदाता है महागुरुओं का गुरु महागुरु डॉक्टर रत्ना मैम प्रोफेसर सर जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफार्म को सजाए, इतना अच्छा इंडिया को जन्मदाता वो भगवान तुल्य है प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम के लिए फिर से जोरदार ताली होना चाहिए। और डी एक्शन हमें कैसे मिला, डी एक्शन में सफर के किया है, आसानी से डी एक्शन नहीं मिला। डी एक्शन जो अगर पहले मिल जाता तो इतना दुख समस्या मेरे पास नहीं आता, और पर भगवान का लीला हो सकता पहले मिलता तो समझ में नहीं आता। ये कैसे ऐसे हो गया, बीमारी के कारण डी एक्शन हमको मिलता है, बीमारी के कारण। मेरी माँ का 15 साल 16 साल से साइनस के परेशानी, जितना शरीर में बात किया जाए तो रोमा है, इतना ही मेरी माँ का बीमारी, और हर जगह से दिखा के हम थक चुके बीमारी के समस्या कहीं से, दिन पर दिन और दावे को साइड इफेक्ट से बीमारी बढ़ते गया, बढ़ते क्रम में गया और बीमारी ठीक नहीं हुआ। सभी जगह से इलाज कराते थे, जितना पास कर बीमारी आने के बाद तो अच्छा अच्छा पैसे वाला को आर्थिक स्थिति चरमरा जाता है, और हम तो गरीब आदमी थे। हस्बैंड जी हमको ऑटो ड्राइवर थे और 5 से 6 हजार रुपया महीना में कमाते, और 6 हजार में 7 परिवार को मतलब की पूर्ति मेंटेनेंस करना, उसी में बच्चे 3 था, 2 अपने 2 मम्मी पापा। अब किस तरह से हम अपना खर्चे को मेंटेनेंस करते थे वो हमें जानते थे। अब बच्चे को किया है सरकारी स्कूल में, 2 बच्चा पढ़ने लायक था और एक छोटा वाला बाबू 3 साल के, और दोनों बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। सपना बड़ी लगता था कि हम भी बच्चे को एकेडमी में पढ़ावे, हमारे बच्चा भी इंग्लिश बोलता तो बहुत खुशी मिलता, पर सपना था और मेरे पास ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था कि हम अपना बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। बीमारी के कारण क्या होता है, जो भी पैसा रहता था वो सारा पैसा इलाज के पीछे ही जा रहा था। और देखिए होता क्या है, कहीं ना कहीं अच्छा कर्म किए होंगे, डी एक्शन प्लेटफॉर्म मिला बीमारी के कारण। उनकी माँ का बीमारी नहीं होता तो आज क्या, जो भी समस्या आवे तो समस्या के देख के कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या ही समाधान देता है। कितनों बड़ा समस्या आवे तो समस्या के देख के कभी पीछे मोड़ना नहीं चाहिए, कभी पीठ दिखाना नहीं चाहिए समस्या से, पर लोग घड़बड़ा जाते हैं। इस तरह से बीमारी भी आ गया था तो घड़बड़ा गए थे, हम भी घड़बड़ा गए थे परेशानी से, क्योंकि मेरी माँ की सगर से जब रिजेक्ट हो जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि 50,000 अभी तुरंत जमा करना पड़ेगा, और क्या होता है आपको ऑपरेशन करने के बाद किया है वो बच भी सकते हैं और नहीं तो खतरे भी नहीं जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से किया है, वहां से चल आते हैं वापस और सोचते हैं कि ऑपरेशन कराने के लिए तो 50,000 रुपया को भी इंतजाम करना पड़ेगा, और डर मन में बैठ लिया था कि जो हो सकता है आज ही माँ ऑपरेशन करते समय डेट कर जाएगी तो फिर मतलब कि और हम परेशान हो जाएंगे, जितना दिन रहेगा दवे पर देखते हैं रख के जो भी। इसी कदम वहां से लौटते हैं और 1 सप्ताह के बाद डी एक्शन मिल जाता, और डी एक्शन के मीटिंग में जाते हैं
कोई रास्ते में गाड़ी पे मिले, वो बताए संजीवनी बूटी का प्रोडक्ट है, वहाँ जाते हैं मैम जी के ऑफिस में, जहाँ किया है रोड डेली 300-400 लोगों के जिंदगी वहाँ से बदलता है, मीटिंग ट्रेनिंग डेली होता है, और मीटिंग में हम मीटिंग में जाते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये प्रोडक्ट को काम है रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, गरीबी को भगाना, पर उतना हम हौस महिला थी, हमको हाउस वाइफ थी, हमको समझ में नहीं आता था रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, गरीबी को भगाना, गरीबी के भगाना के जाने मर उतना समझ में नहीं आया, रोगों को रोकना वो भी नहीं समझ में आता है। हम सोचते हैं डॉक्टर साहब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो मीटिंग होता है, पर बताएं जोरदार ताली मिंता मैम सन्नी सर के लिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए उनके लिए भी। वो बताते हैं कि बात शाम में मिलेंगे 3 बजे डॉक्टर साहब, उसके बाद किया है वहाँ किया है मैम जी बताए सर भी बताए कि ये किया है नेचुरल है, इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लंबे दिन तक खाएगा तो किया है उम्र और लंबा होगा। उस बात सुन के खुशी लगता है कि अब मेरी माँ की उम्र लंबी हो, और वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं देते हैं, जो रिजल्ट किया है 15 साल से नहीं आया था, वो एक सप्ताह खिलाते खिलाते थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करके 3 महीना होते होते मेरी माँ अच्छी से भूल गई। और देखिए आज तो इतना खुशी मिलता है कि हमारे माँ जो एक बोतल नहीं पानी के उठा सकती थी, आज देवघर जाके जल चढ़ाती है, पैदल बाबर हम जाती है, इतना खुशी मिलता है। डिएक्शन का प्रोडक्ट के लिए गणोडर्मा के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि दिख सकती है अजूबा हुआ जो होने लायक नहीं था, चमत्कारी जड़ी है इस तरह से खाने पीने से। पर एक माँ की तो अपना खिलाए, मगर उनका बीमारी लंबे दिन के था, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था कि हम लंबे दिन तक खिला सकते थे, बीमारी के नाम पर 1 करोड़ एक आदमी को खिला दी। मगर वहाँ मैम जी बताए स्वास्थ्य रहने के लिए है, ये पूरे परिवार के लिए खाने के है, आप लंबे दिन तक जीना चाहते हैं, स्वास्थ्य रहना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, धनवान रहना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग को आके सीखिए। और उस दिन से हम क्या किए कि डेली ट्रेनिंग है, डेली जैसे कोई कहीं स्कूल में नाम लिखा लेते हैं तो वहाँ डेली जाते हैं, खाना छूटे तो छूटे पर कोचिंग नहीं छूटे, इस तरह से हम डेली कंटिन्यू, इस तरह से हम भी खाना छूटे तो छूटे पर डिएक्शन को ट्रेनिंग नहीं छूटे। घर में किया है हरा सब्जी आवे या ना आवे 44 रुपया किराया लगता था, 44 रुपया लगाईला के बाद भी 5 रुपया और किराया लगता था उधर से, उसके जगह पे हम पैदल चल के 5 रुपया के बचाते थे। इस तरह से इतना परेशान हो गए थे कि जिंदगी को हम जी नहीं रहे थे, काट रहे थे, और जब से हम जन्म लिए तो जिंदगी काटने के बारे में ही जाने, जीने के बारे में हम नहीं जान सकते कि जिंदगी जीना क्या होता है। पर वहाँ ऐसा स्कूल है, वहाँ ऐसा पावन धरती है, ऐसा भगवान को देखा जाए तो मंदिर मानिए, क्योंकि मंदिर में जाने से तो भगवान मिलते नहीं है, महसूस करते हैं, आत्मविश्वास करते हैं, पर उस मंदिर में जाने के बाद जीता जाता भगवान के रूप में हमारे महागुरु धर्मशीला मैम, गुरु माता, गुरु पिता सुरेंद्र सर, महागुरु के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, इतना अच्छे से ज्ञान दे रहे थे कि जिंदगी वो जीने के बारे में सिखाए, वो सपना के बारे में दिखाए कि यहाँ से किया है, जो स्वास्थ्य रहना चाहते हैं तो इसको जरूर सीखिए सुनिए, क्योंकि इतना महंगाई आने वाला है 2020 में, वो 3-4 साल पहले हमको बताए थे कि 2020 में इतना महंगाई आने वाला है कि वहां से किया होगा जो अपना सोच नहीं बदलेगा वो कीड़ा मकोड़ा के जिंदगी को काटेगा, वो जी नहीं सकता है, वो जिंदगी को काटेगा कीड़ा मकोड़ा की तरह। इस बात को हम सोच लिए कि कीड़ा मकोड़ा की तरह तो हम काट ही रहे हैं, तो 2020 में और उतना महंगाई होगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद हम सोचे करना क्या पड़ेगा, अब खा तो लिए प्रोडक्ट अच्छा लगा, करना क्या पड़ेगा। मैम जी ने बताए
धर्मशिला मैम बताए आपको अमीर बनने के लिए सिर्फ घर को ब्रांड को चेंज करना पड़ेगा, घर को ब्रांड को चेंज करना पड़ेगा। अब हम ब्रांड के मतलब को मीटिंग सुन लिए, उसके बाद पहले दिन वहां बताया जाता है कि यहाँ जिंदगी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ईमानदार रहिएगा आपको जिंदगी आसानी से रहेगा। ईमानदारी कूट कूट को यहाँ वहाँ ईमानदारी सिखाया जाता है। और उसके बाद ब्रांड के बारे में बताएं, अब ब्रांड को कुछ हम समझ ही नहीं रहे हैं, मीटिंग सुन लिए पर ब्रांड समझ में नहीं आया, क्या होता है ब्रांड। मीटिंग खत्म होला के बाद ईमानदारी से हम बोले, हाथ उठाए, मैम जी बोले जिंदगी बदलना चाहते हैं, बोले यस मैम, कितना लोग ईमानदार से हाथ उठा रहे हैं, हम भी उसमें हाथ उठाए। उसके बाद क्या है, मीटिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद समझ में आता है कि ब्रांड जो बोले अब हमको किताब पढ़ना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा जो हमको समझ में नहीं आया। अब वो ब्रांड इतना भारी हमको लगा कि घर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रांड कैसे हम जानेंगे कि कहाँ है, क्या करना पड़ेगा ब्रांड के लिए, कि बड़ा बड़ा किताब को पढ़ना पड़ेगा, ये काम लगता है नहीं होगा। दिन ये भी गया लिए अच्छा मर्फिड रिएक्शन करने के लिए होता है, क्योंकि लोगों के बात थोड़ा सा सुन के किया है, इनको भी लगा कि बस तब ये प्रोडक्ट फायदा करता है, मगर इतना पैसा आने के चीज नहीं है। ये भी बोले हम 5,000 कमाएंगे, सही बात है कि आदमी गरीबी छोड़ना नहीं चाहता है, पर हम मैम जी को बात को दिल से विश्वास किए हैं और फिर से पूछने गए कि ब्रांड क्या होता है, हम नहीं जानते हैं। मैम जी बड़ा मुस्कुरा के जवाब देते हैं, धर्मशिला मैम जी बहुत मुस्कुरा के जवाब देते हैं, कहाँ पली पोसी थी रेखा जी, और ब्रांड के बारे में भी नहीं जानते हैं, जो अलग मार्केट से पेस्ट लाते हैं, चाय लाते हैं, वो हुआ घर का ब्रांड, बहुत अच्छा से जानकारी दी। हम कहें कि ये कौन बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान बात है, ब्रांड बदलना, अब ब्रांड बदलने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं है। क्या किया कि जिंदगी बदलने के बात था, तकदीर बदलने की बात था, पैसा शुद्ध पैसा लेके और कल होके जाते हैं मैम जी के ऑफिस में, फिर मीटिंग सुनते हैं, फिर पूरे प्रोडक्ट रिएक्शन के लेके आते हैं और घर को ब्रांड को हम चेंज कर देते हैं। और चेंज करते के साथ क्या होता है, हमको हस्बैंड जी रिएक्शन का सॉफ्ट ले लिए थे, साथ साथ सारा प्रोडक्ट लिए, सॉफ्ट लिए, और सॉफ्ट को हम बहुत जोगा के रखते थे, और स्नान करने के समय लगता था कि मैम जी बताए थे कि रिएक्शन को प्रोडक्ट गेनोडर्मा खाता है और शरीर से राजा है, और जो इसके बारे में लोगों से बात करते हैं वो धन से राजा हो जाते हैं। तो आज लगता है 100 रुपया का साबुन हमारे परिवार में कोई नहीं लगाया, विकास आज हम राजा हैं। तो हमको हस्बैंड जी बहुत रूठ के बोलते हैं, मतलब कि एक दिन लगाने से क्या 100 रुपया का साबुन क्या राजा हो जाएगा, अबरी झरेगा तब कौन आपको पैसा दे है, एक बार तो कर्जा पैसा करके दिया है, अबरी कौन आपको पैसा देता है वो हम देख लेंगे, राजा बन गया 100 रुपया के साबुन से लगा के। तो हम बताए अच्छा अभी आएगा तो देखा जाएगा, मगर मैम जी के ऑफिस में जाते थे मीटिंग सुनला के बाद इतना ताकत मिलता था, फुल चार्ज हो जाते थे। उसके बाद क्या है, फिर घर पे आते थे तो लोग बहुत सारे निगेटिव पॉइंट बोल के समझिए स्विच ऑफ कर देते थे, मगर मैडम जी में इतना पावर था, वो बास तभी में पारस पत्थर है, जो उनमें टच करेगा वो सोना बन के निकलेगा, इतना पावर है। फिर हम मैम जी के ऑफिस जाते थे और वहां जाने के बाद क्या है, वो फिर एक एक बात को पढ़ाते थे, सारा चीज को जंपल देके पढ़ाते थे कि जो आम के पौधा को जंपल देते थे, क्या आप धान गेहूं के खेती बार बार करना पड़ता है, पर डी एक्शन है, वो एक बगीचा है, बगीचा एक बारी लग जाएगा, फल जनरेशन टू जनरेशन आएगा, यहाँ से जिंदगी बदल जाएगा। वो रोज अपना ऑफिस में डॉक्टर रत्ना मैम के बारे में बताते थे, प्रोफेसर सर के बारे में बताते थे, इतनी बड़ी बड़ी डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस रंजन के बारे में जानकारी देते थे, जोरदार ताली सभी गुरुओं के लिए, डॉक्टर एस रंजन के लिए।
डॉक्टर रत्ना मैम प्रोफेसर के लिए बस दिखाते थे कि इतनी बड़ी बड़ी लोग से मिलते हैं, वो सारे ऑफलाइन है, सभी को मिलने जुलने का मौका मिलेगा, यहाँ से देश विदेश मिलता है, यहाँ से किया है फ्रीडम मिलता है, एरोप्लेन मिलता है, घूम के भी आए थे, वो सारे चीज दिखाते थे, सपना को जगाते थे। आज इतना उनका सपना साकार हुआ कि क्या हम बता दें, जो मैम जी बताए वो ब्रह्मा को किया है, अपने गुरु को बात को ब्रह्मा जी को लकीर मानना है, जो भी मैम जी बताए, जो भी धर्मशीला मैम जी बताए वो आज सारा मिल गया, अभी किया है जितना तक अभी, मतलब हम 5,000 के बारे में सोचे थे कि 5,000, पूछे थे मैम जी हमसे कितना तक आप कमा सकते हैं रेखा जी, मतलब मैम जी 5,000 आ जाएगा तो किया है हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि 5,000 हम तो हस्बैंड ऑटो चला के लाएंगे और 5,000 हम रिएक्शन से कमाएंगे। बोले 5,000 में किया होगा, हम 5,000 भी नहीं देखे थे एक बार, क्योंकि सारा पैसा खर्चा हो जाता था, इतना गरीबी से गुजर रहे थे। गरीबी क्या होता है वो मैम जी बताए, गरीबी काट रहे थे हम, मगर जानकारी इनका था, मैम जी के जानकारी सारा चीज के बारे में था कि गरीबी जो होता है वो कैंसर से खतरनाक, बीमारी जो होता है ना वो क्या है, कैंसर से खतरनाक बीमारी है वो इंसान को गरीबी है। इस सारे बात को बहुत सुन के महसूस करते थे कि सही बात है, बीमारी हो गया के बाद आदमी के मौत होता है, मगर गरीब आदमी जो रहता है न वो मरता है न वो जीता है, घुट घुट को अपना जिंदगी को काटता है। सारे बात को सुन के और लगता था कि मैम जी सही बताते हैं, और डेली दिन वो सपने को दिखाते थे, मरा हुआ जो सपना था उसके सपना को जगाते थे, जागरूक करते थे डेली दिन, 300 दिन ट्रेनिंग देते थे। मगर आज देखिए सारा चीज करने के लिए सिखाए, ऐसा को हम कहीं नहीं सुने हैं कि पैसे कमाने के लिए लोग को सिखाया जाता है, पर गरीब अमीर आदमी को तो पैसा कमाने के लिए कोई सिखा दिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर गरीब आदमी को कोई पैसा कमाने, कहा जाता है कि कोई गरीब भूखा को एक दिन रोटी खिला दिए तो ये कोई बड़ा काम नहीं किए, पर कोई गरीब आदमी को रोटी कमाने के लिए सिखा दिए ये सबसे महत्वपूर्ण वाला काम किए, इतना बड़ा काम किए कि वो हम कितनों उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, उनके चरण में प्रणाम करेंगे तो वो नहीं वसूल होगा, इतना बड़ा जिंदगी में बदलाव दिए। क्योंकि जो महिला 60 रुपया का साड़ी खोलने चलते थे, 70 रुपया का साड़ी खोलने चलते थे, बहुत तो बहुत 100 रुपया 125 के लेते थे, उससे ज्यादा का नहीं कभी अभी तक हम नहीं पहने थे रिएक्शन में आने से पहले। पर होता क्या है, मैम जी को बात को हम मानते हैं और उनका बात पर हम चलना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है जिंदगी हमारा बदलना शुरू हो जाता है, जैसे वो बताए उस तरह से चलते गए, वो सारा सपना दिए कि आप बच्चे को अपना अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपना बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, बढ़िया पोशाक पहना सकते हैं, सारा सपना उन्हें जगाए। और देखिए कि उनका बात को हम माने, अब सीखते नहीं थे, ब्रांड नहीं समझ में आया, वो जौन बात बताते थे, वो जो प्रोजेक्टर पर दिखाते थे वो पिक्चर में बताता था, बोलता था प्रोजेक्टर में, जो बात हमें एक पैसा नहीं समझ में आता था, इतना महान वाला काम किए वो प्रोजेक्टर से सुन के फिर बैठा के हमको समझाते थे, वो क्या बोला वो उसका मतलब समझे रेखा जी, नहीं मैम नहीं समझे, फिर से समझाते थे। ऐसा गुरु हम नहीं देखे, सब सेक्टर में किया है, सभी जगह के लोग टांग खींचने में रहते हैं, पर डी एक्शन परिवार ऐसा है कि वो हाथ खींचने में रहते हैं, इसीलिए हर आदमी सफल हो जाते हैं। और यहाँ ऐसा प्लेटफार्म है किसी उम्र को आदमी भी सक्सेस हो कि सफल हो सकते हैं, यहाँ उम्र से लेना देना नहीं है, को डॉक्टर इंजीनियर से लेना देना नहीं है। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कम पढ़े लिखल के देखेंगे तो बोलेंगे ये कम पढ़े लिखे वाला सेक्टर है, ये चाय बेचने वाला काम है, तो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये काम है, मगर यहाँ देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी लोग, इतनी हाई क्वालिफाइड कि हम लोग के इंडिया में बताया जाता है टॉप टॉप डॉक्टर, सोच लीजिए डॉक्टर एपिन कोशी, इतनी बड़ी बड़ी डॉक्टर जोरदार ताली उनके लिए, सोच लीजिए 12,000 डॉक्टर हम लोग का इंडिया में हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं,
इतनी बड़ी सोच लीजिए जो इंडिया को जन्म देता है, गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट मद्रास यूनिवर्सिटी, सोच लीजिए इतनी बड़ी बड़ी लोग एक क्या है जहाँ टिप्पा मार के भी जगह है। सोच लीजिए क्या थोड़ा सा अलग पोस्ट में थोड़ा सा कम उनके पास डिग्री रहता है तो उनका जॉब मिलता है चपरासी वाला। मगर यहाँ हम लोग इतना खुश नसीब है, इतना खुश नसीब है कि यहाँ क्या है सभी लोग के बराबर मान सम्मान पहचान मिलता है, डी एक्शन क्या नहीं देता है। और डी एक्शन को गुरु ऐसे होते हैं कहाँ बहुत सारे जितने सफल लोग रहेंगे वो सारे लोग से सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ क्या है बहुत सारे टॉप टॉप लीडर भी हैं, सभी से जानकारी मिला। जोरदार ताली कुंदन सर अभी डेली हम लोग के सिखाने के काम करते हैं। सोच लीजिए ना ऑफलाइन है ना डाउनलाइन है, फिर भी क्या है बहुत सारे लोग रामचंद्र सर हो गए, अविनाश सर हो गए, सभी से सीखने के हम लोग का मौका मिलता है। क्या दूसरे सेक्टर में दूसरा सेक्टर में क्या पैसा कमाने के लिए दूसरों पे कोई मदद किया जाता है? नहीं। पर सिर्फ इतना मौका कहाँ मिलता है? वो डी एक्शन में। वो सारा पावर कहाँ है? डी एक्शन में। डी एक्शन में आके हम इतना खुश हुए कि वो तो नहीं हम लोग का मैम जी धर्मशीला मैम जी जो कि आज किया है बात किया जाए तो आज सर हमारे महान गुरु धर्मशीला मैम सुरेंद्र सर जी तेजी गति से बढ़ने वाला फास्ट क्राउन एम्बेसडर, जोरदार ताली होना चाहिए। आज उनकी छत्र छाया में है, आज किया है आता है जैसा संगत अवसर रंगत। पहले कोई अवसर संगत ही नहीं मिला था इसीलिए किया है रंगत नहीं आया, और ऐसा संगत मिल गया कि आज हमारा जीवन में रंग ला दिए। आज देखिए कि जो सर जी बताते थे सुरेंद्र सर जी के लिए भी जबरदस्त ताली, वो बताते थे कि तोता के जब इंसान पक्षी के जब सिखाता है तो वो सीख जाता है, मानव को भाषा पक्षी बोलना शुरू कर देता है तो आप को इंसान है, आप को मानव है। सीखते सीखते बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी, क्राउन एम्बेसडर भी बनेगी, इतना हौसला बढ़ाते थे। पर आज हम लोग का मैम जी सारा सपना दिखाए, सारा सपना को साकार करने में लगे हुए हैं। कैसे आपको लोगों के सामने बैठना है, कैसे आपको साड़ी में ही पिन लगाना है, कितना रेट के पैसा कमाने के लिए सीख गए तो कितना रेट के आपको कपड़ा पहनना है, किस हिसाब से सोच लीजिए पैसा कमाने के लिए भी सिखाते हैं, पैसा खर्च करने के लिए भी सिखाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी सिखाते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ गुरु हैं, आई इतनी बड़ी गुरु को देख के हम क्या है इतना खुश होते हैं क्योंकि हम तो जब से जन्म लिए तो कोई स्कूल नहीं गए, स्कूल हम देवे नहीं गए तो मेरे पास क्या डिग्री कहाँ से रहेगा। मगर मैम जी बताते थे, धर्मशीला मैम का देना है, वो बताते थे सफल होने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। क्या सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा डिग्री है? क्या दशरथ मांझी इतिहास बना दिए? क्योंकि इतिहास रिएक्शन में रटा नहीं जाता है, इतिहास रिएक्शन में रचा जाता है। रेखा जी आप इतिहास को रच सकते हैं, इतना मनोबल को बढ़ाते थे, इतना बढ़ाते थे, उसके बाद कहानी भी सुनाते थे। तुलसीदास का कितना डिग्री था, हर बात पे जंपल से दे के सिखाते थे, उनका बात को सुन के मनोबल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आज हमको क्या है हस्बैंड जी आदि जो ऑटो चलाते रहते तो ये लॉकडाउन में हम कहाँ से खाते, कहाँ से क्या करते, अभी हमको समझ में आता। तो सही बताया जाता है कि जो सही समय पे वो पसीना नहीं चुआएंगे वो क्या है एक दिन आंसू चुआना पड़ेगा। तो सही समय पे पसीना चुआना ही बढ़िया है, आंसू चुआना बढ़िया नहीं है। वो चीज को हम मान लिए। आज देखिए क्या ऑटो चलाते कोई लॉकडाउन में किया है, कितनों हम लोग कोरोना वायरस के चलते सभी लोग सरकार भी कर रहे हैं घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बढ़िया रहिए, और पैसा कमाने के लिए अभी किया है देखते हैं ऑटो ड्राइवर के कि छुपे छुपे किया है 6 बजे निकल जाते हैं। अब सोच लीजिए पैसा कमाने के लिए जान गंवाने के लिए तैयार, मगर डी एक्शन में इतना पावर है
कि हम लोग क्या है घर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, कहीं सुरक्षित से कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर इतना गर्व होता है डिएक्शन में आके, इतना गर्व होता है कि हम कोई स्कूल नहीं पढ़े, मगर आज हमारे महान गुरु धर्मशिला में सुरेंद्र सर के दिन रहा कि जैसे कोई अपना छोटे बच्चे को पाल पोस के जवान करके उसको हौसला रहता है कि हम अपने अपने बच्चे के टॉप स्कूल में हम पढ़ाएंगे, इस तरह से हमारे माँ हमारे पिता हमारे माँ गुरु धर्मशिला में सुरेंद्र सर जी के इतना बड़ा हौसला था कि आज दुनिया के सबसे टॉप स्कूल आरबीसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा दिए। जोरदार ताली होना चाहिए। आज इतना खुशी लगता है, सब गुरु का ही देन है कि जो किया है, हम ना सरकारी स्कूल गए ना प्राइवेट स्कूल गए, मगर आज कितना बड़ा स्कूल में हमको एडमिशन करा दिए तो हमें भी समझ में नहीं आता है। और इतना खुश होते हैं, क्या है, इतना खुश रहते हैं कि हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि अधिक क्या है, जितना लोग क्या है पार्टिसिपेट सुन रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग में क्या है सेमिनार में भाग लिए हैं, वो सभी लोग सपना जगाइए, चाहे तो क्या है स्टूडेंट लाइफ में रहिए, आ तो क्या है तैयारी जॉब करने वाले में से हैं, आ तो गरीब महिला भी हैं, तो क्या है गरीब घर में जन्म लेना कि हम किसी का गलती नहीं है। पर मैम जी बताते थे, धर्मशिला मैम बताते थे कि गरीब होके मरना कि आपको गलती है, किसी और को गलती नहीं है। आज देखिए मैम जी को हम बात को माने तो आज क्या है सारा सपना गरीब भी आया। आज देश विदेश जो महिला कभी पटना गोलघर के बारे में नहीं जानते थे वो महिला आज विदेश को, आज किया है TSIP अचीवर है, क्वालिफाई है, सारा सपना एक गुरु का सरेह जाता है। आज किया है डिएक्शन में आके इतना खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं कि वो सारे सपना मैम जी हमारे जो सारा चीज जो होते जा रहा है वो 4 साल पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2020 में बहुत बड़ा समस्या आने वाला है, सरकार इसके बारे में बोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सरकार बोलेंगे, जो सारा चीज बताए वो हम लोग के फिर से सुनने के लिए मिल रहा है। पर ये क्या है फिर ताजा हो रहा है, फिर क्या है लगन से किया है और ताजा से सुन के और मन के लिए करिए। डिएक्शन प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, एक डॉक्टर इंजीनियर बनने का समय होता है, सीजन होता है, पर डिएक्शन करने के लिए कोई सीजन समय नहीं होता है, आ जाता है जब जागा जब सवेरा, जब आपको जागे जब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा सेक्टर मिला है, क्या है जनरेशन टू जनरेशन, हम एक जनरेशन करेंगे और पैसा जनरेशन टू जनरेशन आएगा। हमको व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं आता था, मोबाइल देखने के लिए नहीं आता था, सारा बताया ना कि यहाँ गुरु ऐसे होते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए खर्च करने के लिए बताएं। अब पैसा आ गया तो क्या होगा, पैसा आया तो फिर क्या है मैम जी बताएं मोबाइल लेना है, बड़ा वाला मोबाइल लिए, उसके बाद मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा है, बहुत डांटे। आपको देखना ही पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप चलावे ला सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखिएगा तो कोई उपाय नहीं है। इस तरह से किया है गुरु का बात को पालन करते हैं, प्रयास किए, क्योंकि कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता है, कोशिश करके देखे। आज किया है धर्मशिला मैम का सिखाया हुआ बात, पढ़ाया हुआ बात को बेकार होने नहीं दिए। आज जो महिला स्कूल नहीं गए थे, आज किया है भास्टॉप गूगल सारा कुछ चलाना सीख गई, मैसेज पढ़ना सीख गई। हम पूरे किताब तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर हर किताब से 2 लाइन पढ़ सकते हैं, पर जिंदगी बदलने के लिए चंद्र लाइन एक काफी है, एक लाइन से भी हम अपना जिंदगी बदल सकते हैं। पढ़ने के जब उम्र होता है तो जब हम छोटा से कुछ भी नहीं पढ़े, मगर 3 बच्चे को जन्म देला के बाद फिर से समझिए हम एक अपनी माँ का कोख में जन्म लिए। धर्मशिला मैम के लिए फिर से जबरदस्त ताली होना चाहिए, इतना अच्छा से हमको पढ़ाए, आज किताब पढ़ने के लिए नॉलेज भी आ गया, कोई टेंशन लगता नहीं है।
अब तो लगता है नहीं पढ़े तो अच्छे किए, यदि जो मेरे पास डिग्री होता तो हो सकता है कहीं ना कहीं नौकर बनने के सपना जगता, मगर नहीं पढ़ाई लिखाई किए तो आज मालिक है, डायरेक्शन में क्या है मालिक है। आप लोग भी मालिक बनना चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ डायरेक्शन करिए। और कुछ हमको हस्बैंड जी से अब सुनना है क्या, कितना कितना पैसा कमाने के लिए वो स्ट्रगल किए थे, कितना वो पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल किए थे, कभी ऑटो चलाते थे कभी बाहर जाते थे, कितना परिश्रम से पैसा कमाया जाता है। आप खुद बताइए, प्यार करूं मैं आपका प्रेजेंटेशन जी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विनीत कुमार हुआ और हम बताएं रोहत प्रखंड रामपुर नंदा जिला, और हम पहले ऑटो चालक थे और ऑटो चालक के वाले महान के लिए सबसे पहले जोरदार ताली होना चाहिए, यहाँ भी दिल से किन्हीं का श्रेष्ठ है आज इतना बड़ा सब कुछ ये जहाँ भी है सब लोग, और जोरदार ताली होना चाहिए, कोटि कोटि नमन करते हैं। पहले हम ऑटो चलाते थे, आज से 15 साल गाड़ी चलाए मोटर चलाए, 5 से 6 हजार कमाते थे और उसी में दिन पर दिन काटते थे, और जो भी मैंने कभी इसमें सपना था मेरे पास कुछ करे, लेकिन आज तक इतना भी नहीं हुआ। 15 साल गाड़ी चलाए आज तक अपना गाड़ी भी नहीं हुआ, 15 साल ड्राइवरी की उसमें कुछ भी नहीं मिला। जहां तक पता है सभी को मालूम होगा कि ड्राइविंग लाइन में क्या होता है, लेकिन मजबूरी पेट के चलते मजबूरी कुछ भी कर सकता है। जब डायरेक्शन मिला हमें, डायरेक्शन मिलने के बाद प्रोडक्ट खाए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन सिस्टम के बारे में हमको पता नहीं था और ना सिस्टम को ही मानते थे। मैडम जी बोलते भी थे कि चलिए कोई बात नहीं आप जाइए, हम ना नहीं कर सकते हैं जाते, लेकिन सिस्टम को आप देखिए हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो फिर देखते देखते लेकिन एक दिन देखें बोनस की बात बताया जा रहा था हमको, देखिए ना इसमें 1700 रुपया है, हमको कोई बड़ी बात नहीं आ गया होगा ऐसी बात नहीं है, उस पर हम ध्यान नहीं दिए। फिर कुछ दिन हुआ, 2 महीना हुआ तो स्टार गेम का पोस्ट मिला, बोले स्टार बन गए, बधाई भी आए ऊपर से बधाइयाँ भी आए, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में बोले कि आप बोनस निकालिए, बोनस खुदम निकालने के तो देखते हैं कि उसमें 6000 रुपया हुआ, तो हम देखिए 6000 कैसे आ गया, बिना कुछ किए हुए कहीं गए नहीं कि 6000 कैसे आ गया। तो उसके बाद जैसी 6000 देखते हैं, 6000 देख के झटका लगा, हम उसी को देख के मोटिवेट हो गए, जितना हम कमाते थे बिना कुछ किए हुए 6000 रुपया गया। जब 6000 आ सकता है बताएं कि जब 6000 आ सकता है तो मैडम जी बताते हैं कि 60000 आ सकता है, तो चलिए देखते हैं। जब वहां गए मंदिर गए, ऐसा मंदिर था धर्मशीला मैम सुंदर सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जहां भी हो सब जोरदार ताली दीजिए। मंदिर में गए, सीखे देखे प्लान को समझे, जैसी प्लान में समझे प्लान में भेजा में घुस गया, जिस दिन प्लान में भेजा घुस गया तो 6 महीना कंटिन्यू लगातार 6 महीना काम किए, डायमंड का पोस्ट लिए, जैसे डायमंड बने तो उस समय बोनस मेरा था 37000 बोनस था, 37000 बोनस था। पहले भी सपना था काश मेरा 2 व्हीलर गाड़ी होता, 2 चक्का गाड़ी होता तो हम भी घूरते, पति पत्नी देखते भी घूरता साथ में, हमको भी जागरूकता था कि घूरना घूरते, लेकिन सपना था, लेकिन नहीं सपना तो जो सबको रहता लेकिन रहेगा तब ना। जैसे 37000 बोनस आया बताया मैम जी कि आप वो गाड़ी ले लीजिए अच्छा रहेगा, आने जाने में 5 रुपया किराया के चलते पैदल जाते थे मैडम जी, 5 रुपया बचाने के लिए पैदल जाते थे। जब मोटरसाइकिल खरीदे तो लोग गांव में बहुत ताना मारना शुरू किया, ये सोचा था कि जो 5000 कमाने वाला है वो तो कहाँ से मोटरसाइकिल खरीदेगा, किसी को पता नहीं था। जब काम करने चले थे तो दुनिया ताना मारना शुरू कर दिया, जहाँ जो काम कर रहा था तो छोड़ दिया है, खनमना के रह जाएगा, जो बाल बच्चा खाता था तो बाल बच्चा डर जाएगा। लेकिन समुंदर हमने देखा था,
दुनिया तालाब देखा है, समुन्द्र हमने देखा था, हमको मालूम था ये क्या है, रिएक्शन क्या है। हम किसी को बात की परवाह नहीं किए, बस मन लगा के दिल से काम कर देगी। और जैसी 37,000 बोनस आता है तो 58,000 का न्यू गाड़ी, न्यू मॉडल लिए। उसी समय बोला था इस दिन गाड़ी आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगा। गांव वाला बोला था, कौन बोला था पता नहीं, गांव वाला बोला था कि जिस दिन गाड़ी आ जाएगा अपना मोच कटा दो। तो मोच कटाने की बात कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं कटा दिए। दिवाली का दिन था, धनतेरस का दिन था, 58,000 का गाड़ी जैसी आया, जैसी द्वारी पर लगा उसका मोच कट गया। तो बोला कि एक महीने कितना दिन घूरेगा, पता है जब घूरने की बात करता है तो महीने का 3,000 पेट्रोल जलाते थे, 300 दिन घूरना शुरू किया, तब लोग को समझ में आया तो अच्छा काम है। जब उसी काम बढ़ते गए काम करते गए करने के बाद आगे स्लाइड बढ़ते गया, अगला स्लाइड अगला बार जब मलेशिया का ऑफर आया था तो मलेशिया का क्या होता है, देश क्या होता है मलेशिया है पता नहीं था। उस ऑफर में क्वालिफायर किए थे पति पत्नी, मलेशिया गए, बहुत खुश हुए तो मलेशिया देखे, ये सीन देख रहे हैं, बहुत खुश, अपना आनंद कभी जिंदगी में सपना में देखे ही नहीं थे कि हम मलेशिया जाएंगे। आज देखिए मलेशिया गए, बहुत खुश रहा। आप देखिए आज हम फिल्मी तो देखता है, पहले हम फिल्म देखते थे कि रेखा है फिल्म में रेखा है, आज देखिए वही रेखा थे 2x2 देखिए फिल्म कल्पना हम देखते थे, आज खुद मेरा वीडियो बनता है, खुद फिल्म चल रहा है, देख रहे कि नहीं, खुद फिल्म चल रहा है। आज हम बहुत धन्य है, आज बहुत खुश है कि आज देखिए पूरा दुनिया, पूरा इंडिया दिख रहा है, कहां कहां में दिख रहा है, फिल्म मेरा चल रहा है। सपना था एक्शन करने का था, वही सपना मेरा जागा। मलेशिया गए, आगे स्लाइड देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं, टी शर्ट था, ये ड्रेस में सब एक ड्रेस में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। आगे बढ़ते उसके बाद जब मलेशिया से घूर के आए तो सब लोग के देखे थे कि एक गाड़ी में दो आदमी, फोर व्हीलर, सब सपना नहीं था, सपना में कभी देखे नहीं थे कि अपना फोर व्हीलर गाड़ी होगा, लेकिन हुआ। लेकिन गुरु महान का देन रहा, बताते थे कि एक दिन रेखा जी आपको भी फोर व्हीलर गाड़ी आएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था कि आएगा, लेकिन रेखा मैडम को विश्वास था, हमको सपना था कि गाड़ी आएगा। कि आज देखिए गाड़ी की 10,00,000 का काम करते गए मन से, तो 10,00,000 का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आया। जब गाड़ी आया मेरा गांव में, जब पहले लोग हमसे मुंह मोड़ देते थे, इस समय पहले मुंह मोड़ते थे, जब गाड़ी आया तो सब लोग हमको घेर लेते थे। गाड़ी का देन है ये, सब किसका देन है, डिएक्शन का देन है। आज हम डिएक्शन में नहीं काम करते तो पता नहीं कहां हम जिंदगी काटते, जो तो मालूम नहीं था। आगे स्लाइड देखे थे, अगला स्लाइड देखिए, कभी सपना में इतना दिन गाड़ी चलाते, पीछे बैग इतना कभी गाड़ी चलाते थे, देखिए सीन है, कभी भी सपना में आज तक देखो फूल कोई देने वाला नहीं। आज देखिए क्या जिंदगी मेरा बना, ये सारा श्रेय हमारे गुरु, महान गुरु धर्मशिला में सुंदर सर के लिए जाता है, जोरदार ताली कोटि कोटि नमन करते हैं। ये सब उन्हीं का देन है कि इतना बड़ा भूखे दिमाला भी मान सम्मान भी दिलाएं। हमको पता नहीं था इसमें मान सम्मान भी मिलेगा, सभी लोग से दर्शक मिले और मान सम्मान मिला, बड़ा खुशी की बात है। बड़े बड़े लोग को मुकेश मिलता है, लेकिन आज ये सब गुरु का देन है, गुरु के लिए एक बार नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे स्लाइड, सपना में कभी ऐसा आगे बढ़ते, जिंदगी में देखे नहीं थे, ये सब खुशियां है मेरे लिए। देखिए एक गाड़ी भी खरीदे थे, उस समय चाबियां दे रहे थे,
वो कहता है कि ये भी देखिए रेखा रेखा देवी के इतना सीन लगता है बढ़िया एकदम गाड़ी जो है सभी लोग कहता था हम बोले कि ऑटो चालक है लेकिन सोचता है एक ऑटो चालक ड्राइविंग करके फोर व्हीलर खरीद लिया वो तंग रह गया जो चाबी दे रहे हैं हमको तंग रह गया गाड़ी दिलवाने वाला चाबी दे रहे हैं वो तंग रह गया देख के ऑटो चालक विश्वास नहीं हो रहा था उनको विश्वास धीरे धीरे होता है सही बात है हम ऑटो चलाते थे रहो बिहार हम करते थे लेकिन आज देखिए क्या होता है यार खुद का मालिक बन गए तो सोचे थे कि 50-60 हजार का गाड़ी मिलेगा मालिक बनेंगे लेकिन आज का देखिए सब डिएक्शन का देन है आरबीसी का देन है आज 10 लाख का फोर व्हीलर का गाड़ी मालिक बन गए। आगे स्लाइड आगे आगे बढ़ते कभी सपना में जहाज पर चढ़े नहीं थे कभी सपना में जहाज पर चढ़े नहीं थे आज देखिए जहाज पर भी हमको चढ़ने का मौका मिला जी कभी सपना में हम देखे नहीं थे कि जहाज में कैसा होता आज देखिए हम बहुत खुश हैं ये जहाज का चढ़ने का मौका मिला जिंदगी में कभी देखे नहीं थे कि जहाज कैसा होता जब जहाज पर हम चढ़े तब बहुत आनंद मिला इतना आनंद मिला लोग बोलता था कि जहाज पर था ऊपर जाता है जब ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता है और आनंद मिला बहुत आनंद मिला इतना आनंद मिला जिंदगी में कभी मिला नहीं। लेकिन ये सब आरबीसी डायरेक्शन का धन्यवाद देते हैं जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उन्हीं जाता है। आगे स्लाइड आगे बढ़ाइए ये सब देखिए कभी सपना में देखे थे नहीं बुकेज कोई देने वाला था वो फूल तक देने वाला नहीं था आज देखिए हमको हर जगह फूल ही मिलता है अपने आगे बढ़ाइए अपने पैसा कमा लेना कम बड़ी बात नहीं है लेकिन अपने नीचे तीन लोग का किसी का 35,000 किसी का 40,000 किसी का 37,000 कमाने के लिए सिखा दिए। ये देखिए होटल कभी होटल सेवन स्टार होटल ये बोलता सेवन स्टार होटल कभी देख जिंदगी में देखे नहीं थे आज देखिए क्या खुशी मिला सेवन स्टार होटल आराम से बिंदास कई वैरायटी के खाना कभी देखे नहीं थे आराम से बैठ के खा रहे हैं बहुत खुशी मिला इतना खुशी मिला कि मत पूछिए। आगे बढ़ाइए जो सपना था जिंदगी में कभी आज हमको सब ये सब सारा श्रेय देता है जो सपना फिल्मी दुनिया में देखता था जो झुलुआ पर बैठता था आज देखिए कितना धन्यवाद देते हैं धर्मशिला में सुंदर सर के लिए जोरदार तल जहाँ भी हो सब उन्हीं का देन है ये सारा श्रेय उन्हीं का देन है बढ़िया से झुलुआ राजा रानी की तरह आराम से बैठे हुए हैं इतना सुंदर लग रहा बहुत सुंदर हम तो बहुत खुश हैं ये सभी को मिलेगा जो भी देख रहे हैं सभी को मिलेगा हमको मिला है आपको भी मिलेगा इतना बढ़िया है उत्तराखंड का सीन है बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़िए आगे आज देखिए कभी जिंदगी में जिंदगी बीत जाता फिर भी नहीं कुछ मिलता आज देखिए प्रोफेसर साहब डॉक्टर रत्ना मैम के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं स्टेज पर हमको भी साथ से सम्मानित करने के लिए मौका मिला आज जाता है ये जिंदगी में सबसे बड़ा हम तो भाग्यशाली बहुत खुश हैं इतना खुश हैं कि मत पूछिए इतना खुश है कि मत पूछिए कि जिंदगी में कब जिंदगी बीत जाता ऑटो चलाते जाते तो कभी कुछ नहीं मिलता। आगे चलिए और देखिए हम कमाते गए पैसा तो पैसा कहीं से आता खुशियाँ कहीं नहीं मिलेगा ये मलेशिया ये मलेशिया का सीन है देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है बहुत फिल्मी जो सीन लेता है ये भी देखिए अंग्रेज लोग हैं अंग्रेज लोग सख्त साथ में गोरा कितना लंबा लंबा है हमको जो फिल्मी दुनिया में देखता था आई खुद रियल लाइफ
खुद एकदम रियल लाइफ जैसा है, रियल लाइफ खुद हम फिल्म बना रहे हैं जैसा लग रहा है। बहुत मजा आता था, आज भी हम बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि मत पूछिए, खुशी के मारे आवाज भी नहीं निकल पाता, बहुत बहुत खुश हैं। आगे दीजिए, फिर ये भुवनेश्वर का सीन है। भुवनेश्वर समुद्र में कभी देखे नहीं थे, लेकिन आज देखिए समुद्र में ही है, समुद्र में ही है। बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया कि मत पूछिए। उसके बाद देखिए, फिर जब पैसा तो सबको कमाते हैं पैसा, जब गाड़ी 10 लाख का गाड़ी आया, उसे गाड़ी चलाते चलाते यत्न करते आगे बढ़ते गए। आज देखिए 4 साल के अंदर मिलीनियर भी बन गए लखपति। मिलीनियर क्या होता हमको मालूम नहीं था। रिएक्शन में संगत करते, संगत से कतर रंगत, संगत करते करते रंगत बदल गया। मिली जैसा संगत औसा रंगत, रंगत जैसा संगत करिएगा औसा रंगत मिलेगा। आज मिलीनियर भी बन गए हैं, आज लखपति भी बन गए हैं, और अपने लखपति नहीं बनेंगे, अपने जैसा सभी लोग को लखपति बनाएंगे। और हम भी ज्यादा दिन नहीं लेगा, जल्द ही क्राउन मिनिस्टर ही बनेंगे। आगे सर बढ़िए, आगे ये देखिए पटना का सीन है। आगे आगे देखिए, ये मिलेनियर का पिन मिला था जो कभी देखे नहीं थे, आज हम बहुत खुश थे। मिलेनियर का पिन जब मिला तो बहुत आनंद आया कि मिलेनियर क्या होता है, मिलेनियर हम भी बन गए। टेम्पू जिंदगी बीत जाएगा, आज मिलेनियर हमारे गांव में कोई भी नहीं, लेकिन हमने जो ठान लिए हैं, सोचे हैं अपना जिंदगी को बदलना है। दुनिया क्या करेगा नहीं करेगा उसमें कुछ नहीं, अपना जिंदगी को बदलना है। चलिए अपना वाणी को समाप्त करते हैं और आगे रेखा मैडम को मैं देती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतना अच्छा खुशी मिल रहा है, पर शुरू में बता जी, और इतना अच्छा जो हम लोग के अभी खुशी मिल रहा है, पर यही खुशिया के बारे में किया है, शुरू में बताया जाता है तो लोग को विश्वास नहीं होता है। और इसी तरह से हमको हस्बैंड का भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये सपना हमको पूरा होगा डिएक्शन से, और इतना खुश हम रहेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, क्या जिंदगी भी गुजरता है, क्या लाख रुपया तो हम लोग कितनों रात दिन कमा लेते तो 1 लाख जीवन में कभी नहीं देते, मगर डिएक्शन ने किया है 1 लाख रुपया अभी कुछ भी नहीं है। और क्या है, कितना सारे स्टूडेंट जॉब करने के लिए 5 साल 6 साल 10 साल तैयारी करते हैं, पर डिएक्शन के ताकत है, आरबीसी के ताकत है, 4 साल में लखपति बन गए, 4 साल के अंदर। सोच लीजिए कितना खुशी मिलता है, कोई डिग्री नहीं फिर भी खुश है कि डी एक्शन करके लखपति है, इतना भी खुशियां मिलता है, इतना खुशी। ये सारा सपना बताइए, ये सारा सपना किया है मन जी देखा, सारा सपना कि आपको विदेश मिलेगा, सही विदेश गए, और पैसा आने के बाद क्या है, रेखा जी आपको 4-व्हीलर होगा, कहीं नहीं विश्वास लगता था इनका, हमको हस्बैंड जी के कि 4-व्हीलर आएगा, मगर हमको जो मैडम बताते थे उसमें इतना विश्वास हो जाता था कि एकदम इतना विश्वास हो जाता था सही मिल जाएगा। उनका बात को देख के इतना, जो कैसे कहता है कि किसी के आवाज से 5 फूल गिरता है, इसी तरह से जो हमारे महान गुरु हैं उनका आवाज से 5 फूल गिरा, जो सारा चीज ने वो सपना दिखाए वो हमारा कदमों में चुनते गया। इस तरह से देखिए कि सभी को किया है रिएक्शन, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये जिंदगी बदलने के मौका मिला है, अपना मौका को किया है वो फायदा उठाइए, जितना लोग किया है ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिए कि रिएक्शन क्या है, एक समुद्र है, लोग तालाब खोजते हैं और यहाँ समुद्र है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना खुशी मिलता है। क्या अभी हमारे पूरे परिवार में मायके से ससुराल में कोई विदेश नहीं गया है, कोई एयरपोर्ट नहीं दिखा है, मगर एक ऑटो ड्राइवर के पत्नी
विदेश घूमते हैं तो वही क्वालिफाई है, पीएसआई पीएचयू है। इतना खुशी मिल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लोग के संग में बैठे हुए, इतना बड़ा आज इतना खुशी लग रहा है क्या हम बतावे। एक यार मंजीत बताए थे कि रेखा जी एक दिन हमको डॉक्टर लीन साल से सम्मानित कर रहे हैं, एक दिन हमको गुरु माता पिता जो इंडिया को जन्मदाता है वो सम्मान दे रहे हैं, एक दिन सभी लोग को मिलेगा। कब? जब ईमानदार रहिएगा तब। मगर ये बात हम जरूर कहेंगे कि इलेक्शन में सफल होने के लिए अपने गुरु पे, अपने अपलाइन पे, अपने सीनियर पर इतना भरोसा करना है, इतना विश्वास करना है कि आप भगवान पर जितना आप विश्वास करते हैं उतना अपना गुरु पर विश्वास रहिए। जरूर जिंदगी बदलेगा, जरूर जिंदगी बदलेगा। अपना अपलाइन को कभी भूलना नहीं है। कितना बड़ा जीवन में हो जाइए पर जहाँ से जन्म लिए हैं जहाँ भूलना नहीं है। सबतर बड़ा बनना है मर जहाँ से हम पढ़ लिख के जन खड़ा हुए हैं उनके सामने जीवन में कभी बड़ा बनने की कोशिश करना नहीं है। अपने बुद्धि पे कभी हम करना नहीं है, घमंड करना नहीं है। इस तरह से डिएक्शन प्लेटफॉर्म ईमानदारी सिखाता है, डिएक्शन फ्रीडम देता है, डिएक्शन आजादी देता है। एक कम पढ़े लिखे आदमी के कहां सुने हैं कि 50,000 20,000 10,000 कमाने के लिए काम कहीं मिलेगा नहीं। मगर आज देखिए सब डिएक्शन इतना बढ़िया तो मिल गया था, आ गया था डिएक्शन प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया मेनोडर्मा। मगर हम लोग का महान गुरु धर्मशीला मैम सुरेंद्र सर जी इतना अच्छा से ट्रेनिंग नहीं देते तो हम लोग का जिंदगी नहीं बदलता। और 300 दिन ट्रेनिंग देते थे और 300 दिन अभी जो हम ताजा ताजा सुनने के लिए मिला, कैसे आपको पिन लगा के चलना, कैसे आपको किया है स्टेज पर बोलना है, कैसे आपको किया है लोगों से बात करना है, कैसे आपको किया है सारा चीज के बारे में, सारा एक एक बात को बारे पढ़ाते थे सारा ब्रांड के बारे में। तो इन्वेस्ट पैसा कहाँ करना है, कैसे खर्च करना है, सारा कुछ के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं हर चीज में। उसके बाद बोले कि आपको हाथ पैंड हर चीज कर सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं तो ये हर चीज कर सकते हैं, अपने आप में हार मानना नहीं है। वो हर बार बताते थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते, कोशिश करने वाला के कभी हार नहीं होते। सही बात मान जी के माने जो हमको हस्बैंड ऑटो चलाते थे, आज लैपटॉप चलाते हैं, प्रोजेक्टर चलाते हैं, इतना बड़ा जो मोबाइल से नेटल होते थे जो अभी टाई कोट में दिखते हैं, जो मोबाइल पूरा कपड़ा में मोबाइल रहता था लगा, उसको छोड़ते छोड़ते हम परेशान हो जाते थे। पर क्या है ये सब गुरु का कृपा रहा, गुरु को बात को मानते रहे, इतना खुशी मिला। और बच्चे को इंग्लिश में अभी क्या है बख्तियारपुर में एसटी फ्राइसिस स्कूल में पढ़ाते हैं, इतना खुशी मिलता है क्या बतावे। डिएक्शन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम जिंदगी क्या है कीड़ा मकोड़ा के तरह बस तरी में काट रहे थे। 7 परिवार में 5,000 जिसका घर में इनकम आएगा, सोच लीजिए कि किस तरह से उस आदमी को शाम सुबह होता होगा, वो खुद हम जान रहे थे। पर क्या है एक जिंदगी मिला, एक कहीं ना कहीं अच्छा कर्म किए होंगे तो हमको डिएक्शन मिला और इतना अच्छा गुरु मिले, उनका बात को हम पालन किए, उनका बताए हुए रास्ते पे हम चले, तो आज हमारा सारा सपना पूरा होते जा रहा है, हर सपना पूरा होते जा रहा है। क्योंकि अभी डिएक्शन में इतने से खुश नहीं है क्योंकि हमारे गुरु फर्स्ट एक राउंड एम्बेसडर हैं, तो हम भी बहुत कम समय में फर्स्ट एक राउंड एम्बेसडर बन के दिखाए। अभी क्या है 1,00,000 डिएक्शन में कुछ नहीं है, डिएक्शन में भी खुश नहीं है क्योंकि ज्यादा सीखने के अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि ये हमें नहीं बोले हैं, ये विवेकानंद स्वामी जी बोले हैं कि शिक्षा होता है वो शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वही दहाड़ता है। अभी हम लोग का इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग मिल रहा है, इतना अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है कि 1,00,000 जो होता है वो भले के लिए होता है। अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस आया, बहुत सारे लोग समस्या लेके पड़ा गए, हर के बिजनेस बंद हो गया, मगर हम लोग मजबूत हो रहे हैं। 1,00,000 रुपया भी खर्चा करते तो इतनी बड़ी बड़ी लीडर को ट्रेनिंग नहीं मिलता,
इतनी बड़ी बड़ी लोग को ट्रेनिंग नहीं मिलता, 1-2 लाख खर्चा कैला के बाद भी नहीं मिलता। आज घर बैठे 1 रुपया नहीं खर्चा किए और इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज लोग को ट्रेनिंग घर बैठे मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। क्या हम ये ज्ञान को पैसा पर खरीद सकते थे? पैसा पर खरीदने का चीज था नहीं था। ज्ञान एक ऐसा चीज है जो कोई बांट नहीं सकता है। तो हम लोग का ज्ञान मिल रहा है, अच्छा से सीखेंगे तो क्या है, हर जगह नाम आएगा, पूरे वर्ल्ड में नाम आएगा और दुनिया के हर कोना में हम डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करेंगे, हर कोना में। इतना अच्छा सिस्टम मिला है कि ना मेरे पास डिग्री था, ना मेरे पास पूंजी था, ना उतना नॉलेज था, किसी चीज मेरे पास नहीं था, किसी चीज में। कोई भी चीज रहता तो कहने के होता कि मेरे पास ये है, किसी चीज कुछ बार मैडम जी बताते तो हम समझ में नहीं करते थे। मैडम जी मुस्कुरा के बोलते थे, रेखा जी कौन ऐसा जगह पे पले है, किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो जानकारी नहीं है, मगर फिर भी कहते थे कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि सफल होने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। वो हर बात में मनोबल को बढ़ाते थे कि जरूर आपको सपना पूरा होगा, जरूर आपको सपना पूरा होगा। और इस तरह से करते करते देखिए कि उनका बातों को हम पालन करते गए, उनके बताए हुए रास्ता पे चलते गए। आज पूरे परिवार किया है, शुद्ध हिंदी बोलने के लिए नहीं आता था, किताब लेके खरीद लिए, पढ़े ला नहीं आता है। मैम जी बोले कोई बात नहीं है, डेली पढ़ना है। वो डेली पढ़ने के जब बात आता है वो बहुत अब हमारा पढ़ ही नहीं आता है तो क्या करे। मगर फिर मैम जी बताते थे, लास्ट मीटिंग होता था वो बताते थे कि करत करत अभ्यास बढ़े, जरमती होता सुजात, रसरी के आत जात, सिर पर परत निशान। इससे भी नहीं समझते थे तो कहते थे कुआं में जब रसरी जाता है तो पक्का घिस के निशान पर जाता है। रेखा जी आपको सीख के तो क्राउन एम्बेसडर बनिए जाते, वो हमेशा बताते थे। आज देखिए को हर चीज पर जम्पल देते थे, हर चीज में मनोबल बढ़ाते थे। आज उनका बात को मानते गए, आज लाखपति बनिए गए, आज किया है वो निशान पर गया। तो क्राउन एम्बेसडर बनने में कोई शक्का नहीं है, क्योंकि कोई कुम्हार एक बर्तन जब बना देगा, एक मिट्टी को बर्तन तैयार कर देगा तो ना जाने कितना बर्तन बना सकता है। तो एक डायमंड बनाने के लिए आ गया तो 20 वो बनाना चुटकी का खेल है, वो जरूर बनेगा। इतना रिएक्शन का प्रोडक्ट में पावर है, इतना आरबीसी में पावर है, इतना रिएक्शन का फाउंडर में पावर है कि सब तरह के लोग यहाँ सफल हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर सेक्टर में तो घूस का जरूरत है, पूंजी का जरूरत है, पर डी एक्शन में नो पूंजी, नो घूस, नो डिग्री, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा सेक्टर है। थैंक यू बहुत रेखा जी, आपको सुनकर मुझे मोटिवेट हो गया, महीने मुझे पावर मिला, मुझे आग लग गया। आज आपको सुनकर मुझे आग लग गया। अभी मुझे एक अभी मुझे एक एक बात सभी गुरुओं का, सभी गुरुओं का हमारे भगवान से हम कृपा करते हैं, ईश्वर से हम दुआ मांगते हैं कि हमारे महागुरु धर्मशीला मैम श्रेयंकर सर जी के लिए भी लॉन्ग लाइफ, भगवान से ईश्वर से मांगते हैं प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम के लिए भी, अपने सभी गुरु के लिए हम भगवान से अर्ज करते हैं, मिनती मांगते हैं कि हे ईश्वर हमारे गुरु को लॉन्ग लाइफ दीजिए, हमारे सारे डिएक्शन फैमिली को, हमारे सारे डाउनलाइन को, जितना डिएक्शन परिवार हम पार्टिसिपेट किए हैं सभी के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सब अमर रहे, खुशी रहे, सुरक्षित रहे, हम सभी क्राउन एम्बेसडर बने।
श्योर, थैंक यू आपको सुनकर मुझे एक याद आ गया, एक बहुत बड़ा राइटर ने इसने अमीर बनने का तरीका को के ऊपर किताब लिखा है, बहुत बड़ा अमीर है दुनिया में, रॉबर्ट कियोसाकी, इसने लिखा है इफ यू वॉन्ट टू बी रिच डोंट गो टू स्कूल, आप अमीर बनना है तो स्कूल को नहीं जाना, वो किताब का नाम है, अमीर बनना है स्कूल नहीं जाना, वो आपको देखकर मुझे वो याद आ गया, अमीर बनना है स्कूल नहीं जाना। अभी आपकी जैसे अंगूठी वाले, आपकी जैसे पढ़ने लिखने नहीं आता है, आपका जैसे लोग कभी भी सोच नहीं सकता था, आपका सोच था 5000 कमाई तो बहुत बड़ा होंगे, हस्बैंड 5000 कमाता है, मैं भी 5000 कमा, दोनों मिलकर 10000 मिले, तो इस तरह का लोग का लाइफ आज लाखों रुपये में हो गए, तो आपको बंगला गाड़ी सभी आ गए, तो आपका बच्चों ने बेस्ट स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, तो आप जैसे गरीब लोगों को लाइफ बदले, तो इसीलिए हमारा काम, हम दिन रात लड़ते हैं आप जैसे लोगों को लाइफ को बदलने के, आरबीसी वही कारण से है, आरबीसी का ट्रेनिंग वही कारण से है, आरबीसी को हमने ट्रेनिंग सेंटर को खोला साधारण लोग असाधारण बनने के, सभी लोग अमीर है पैसा है वो बढ़ना बहुत बड़ा बात नहीं है, इसके साथ आप जो बताया है एजुकेशन है डिग्री है नॉलेज है पूंजी है सब कुछ है, जो कुछ भी नहीं है कभी भी नहीं सोच सकता है लाइफ में 1 लाख क्या मिलेंगे एक बार, लोग सोच रहे हैं लाइफ में 1 लाख एक बार क्या मिल सकता है, वो लॉटरी भी लेते हैं गरीब लोग, कौन लॉटरी लेते हैं गरीब लोग, 1 लाख आएंगे 2 लाख आएंगे, इस तरह 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपये का लॉटरी लेकर, आप लोगों ने आपका मेहनत से सिस्टम को पकड़कर ट्रेनिंग को लेकर आप लोगों ने अमीर जो बन गया है, खुद आपका मेहनत से, आपका मेहनत और आपका ईमानदारी से, ये बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है, जो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ईमानदारी को नहीं पकड़ेंगे, कोई झूठ बोलेंगे, कोई किसी को यू नो धोखा देंगे, इस तरह का लोग यहाँ नहीं बढ़ सकते, ईमानदारी का बिजनेस है, आप पहले आपने बताया ये कितना हॉनेस्ट से हमने करेंगे, कितना लोगों को लाइफ हम बदलेंगे, अभी आपका काम है आपका लाइफ बदल गया, आपका लाइफ बदलने का वो मॉडल को रखकर आप कितना लोगों को लाइफ बदलेंगे, आपका जीवन में कितना लोगों को, आपका जैसा अनपढ़ लोगों को, आपका जैसा ऑटो वालों को, आपका जैसे घर वाले कोई पढ़े लिखे नहीं है कमाने का उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपका लाइफ का मॉडल को दिखाकर, आपके साथ अभी कार आ गया है आपके साथ वो दिखाकर आप भी बन सकता है, आप भी बदल सकता है, आप भी कमा सकता है, ये जो आप आपका जीवन का मॉडल को बेचेंगे, कैनाडर्मा बेच जाएंगे, प्रलिना बेच जाएंगे, काफी चाय चलेंगे, सोप साबुन शॉप सभी चलेंगे, ये सभी स्वास्थ्य के लिए है, सभी लोगों को चाहिए आज का दिन में आपका मॉडल को बेचना, आपका स्टोरी को बेचना, इसीलिए मैंने सोचा इतना लोग का स्टोरी है उसको सामने आरबीसी यूट्यूब चैनल में लाने के लिए मैंने ये कोरोना का लॉकडाउन, इसीलिए ये कहानी कभी भी बंद होने वाला नहीं है क्योंकि हमारे साथ डेली कहानी आता है लोगों को लाइफ बदलने का कहानी, इसीलिए ये तो रामायण महाभारत के तरह एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, हम जितना दिन जिंदा होंगे ये कहानी चलने वाला है, ये तो कंटिन्यू, ये सीरियल 2 महीने 5 महीने 2 बरस में खत्म होने वाला सीरियल नहीं है, जिस दिन तक जितना तक हम जिंदे रहेंगे उसके बाद में फ्यूचर जनरेशन ये कहानी को आगे बढ़ेंगे,
आपके बच्चों ने ये कहानी को आगे बढ़ेंगे, आपके जनरेशन में आपका पोता पोती ने वो कहानी को दादा दादी के नाम बताकर वो कहानी कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए रिएक्शन सिस्टम इतना मजबूत है, आज मुझे इतना खुशी है। 20 बरस से जो मुझे खुशी नहीं मिला आपका जीवन को देखकर आज इतना मैं संतुष्ट हूँ। क्या आप सोच भी सकते हैं 3,000-5,000 से रुपया में कैसा घर आप चलाते थे? एक दिन 60 रुपए का घर में सभी का खाने के लिए जो इसमें आप घर चलाते थे, आज आपका जीवन इस तरह बदल गया है। इसीलिए गरीबी को अमीर बनने का रास्ता है RVC।